Hello friends, welcome to our YouTube channel The Learning Nest. This is Manvi Dhiwar. Friends, हम में से कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें मैथ्स की टेबल्स याद नहीं रहती। 1 to 10 की टेबल्स तो हम फिर भी याद कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे की टेबल्स को याद रखना इज रियली अ बिग टास्क। लेकिन आज का मेरा वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक सिखाने जा रही हूँ, जिससे आप 11 to 99 कोई भी टेबल लिख पाएंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए, जो हम सबको जनरली याद ही होती हैं। तो चलिए ये ट्रिक जल्दी से सीखते हैं और इसे यूज़ करके 32 की टेबल लिखते हैं। 32 की टेबल लिखने के लिए सबसे पहले आप 3 और 2 की टेबल लिख लीजिए, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। इसी तरह अब हम 2 की टेबल लिख लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। अब देखते हैं कैसे इन दोनों टेबल्स को यूज करके हम 32 की टेबल लिखते हैं। सबसे पहले आप 2 की टेबल पर ध्यान दें। 2 की टेबल का लास्ट डिजिट ही 32 की टेबल का भी लास्ट डिजिट होगा, इसलिए 2 की टेबल का लास्ट डिजिट एज इट इज़ कॉपी कर लें, जैसे 2 4 6 8। अब नेक्स्ट नंबर है 10, तो इसमें हमें सिर्फ लास्ट डिजिट कॉपी करना है, इसलिए हम 1 को छोड़ देंगे और सिर्फ 0 को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर इज 12, अगेन सेम थिंग, हम 1 को छोड़ देंगे और सिर्फ लास्ट डिजिट जो कि है 2 उसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट इज 14, तो 4 को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट इज 16, तो 6 को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट इज 18, सो वी विल कॉपी 8, एंड लास्ट इज 20, वी विल कॉपी 0। अब आप 3 की टेबल पर ध्यान दें, जैसे कि 3 की टेबल में फर्स्ट नंबर है 3, उसे आप एज इट इज़ कॉपी कर लें और 32 की टेबल में लास्ट डिजिट के पहले प्लेस कर लें। सिमिलरली 3 के टेबल में नेक्स्ट नंबर इज 6, इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लें और 32 की टेबल में लास्ट डिजिट से पहले, मतलब 4 से पहले प्लेस कर लें। नेक्स्ट इज 9, इसको भी आप एज इट इज़ कॉपी कर लें और 32 के टेबल में 6 के पहले प्लेस कर लें। नेक्स्ट नंबर इज 12, इसको भी आप एज इट इज़ कॉपी कर लें और 32 के टेबल में 8 के आगे प्लेस कर लें। अब 3 के टेबल में जो नेक्स्ट नंबर है, दैट इज़ नंबर 15। अब इस 15 नंबर को आप एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 के सामने जो 2 के टेबल का नंबर है, दैट इज़ नंबर 10, और इस 10 नंबर में से हमने सिर्फ 0 को यूज़ किया था एज लास्ट डिजिट ऑफ 32, 1 इज़ स्टिल पेंडिंग। तो आपको करना क्या है, इस 1 को ऐड करना है 15 के साथ और जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, दैट इज़ 16, उसको आपको प्लेस करना है 0 के आगे। सिमिलरली 3 के टेबल में जो नेक्स्ट नंबर है, दैट इज़ नंबर 18। अब ये 18 नंबर को भी आप एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 18 नंबर के सामने जो 2 की टेबल का नंबर प्रेजेंट है, दैट इज़ नंबर 12, और इस 12 में से 2 को हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एज लास्ट डिजिट ऑफ 32। तो जो रिमेनिंग नंबर है, दैट इज़ नंबर 1, उसको आप ऐड करोगे 18 में और रिजल्टेंट नंबर, दैट इज़ 19,
उसको आप लिख दोगे टू के आगे। तो आपको इसी लॉजिक को फॉलो करना है बाकी सारे नंबर्स के लिए अप टू नंबर 30। इस ट्रिक को यूज़ करके आप किसी भी टू डिजिट नंबर का टेबल ईजिली लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और इससे आपको टेबल्स लिखने में आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपके वैल्यूएबल सजेशंस और फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।